बच्चों, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस टाइटल को समझेंगे, ठीक है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जब प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है? गैसेस एक्सचेंज मतलब CO2 एक्सहेल आउट होती है हमारी बॉडी से और ऑक्सीजन इनहेल होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर सर्कुलेट होती है, जो हमारे वेरियस बॉडी फंक्शंस में रोल प्ले करेगी, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ CO2 और O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हम यहाँ बातें करेंगे, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ऑक्सीजन O2। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारी NCERT में। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू डाइवर्ट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, ठीक है? वेरियस एक्टिविटीज़। तो हम क्लास 10th में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या रोल प्ले करती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में? हमें अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन हमारी जो बॉडी है उसके लिए एक वाइटल गैस है, ठीक है? हम जो भी चीज़ें खाते हैं, ठीक, जो भी न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं, उसका ब्रेकडाउन होगा किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक। उसके बाद जो उस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी, उससे हम अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग टू अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ये हार्मफुल गैस है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स जो भी हमने फूड खाया, ठीक है, या जो भी इडेबल हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनका ब्रेकडाउन होना। कैटाबॉलिक टर्म जहाँ भी आएगी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है। कैटाबॉलिक किसी भी चीज़ के हम ब्रेकडाउन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। अब जो ऑक्सीजन है उसका एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई रिक्वायर्ड है बॉडी को। हमारी बॉडी सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करती हैं, एनर्जी डिराइव करेंगी, ठीक है, वो एनर्जी हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन साथ में साइड बाई साइड क्या होता रहता है, CO2 भी रिलीज होती है। और वो CO2 कहाँ से आती है, जो भी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, तो उन सब की एक्टिविटी में क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। अब बॉडी में जब CO2 बन गई, तो उसका भी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CO2 हार्मफुल गैस है। CO2 को हम अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमें दो बातें पता चली। सबसे पहली बात, जो O2 का एक्सचेंज हो रहा है, O2 आ रही है हमारी बॉडी में, कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, और कोई रिसोर्स नहीं है O2 का, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और CO2 कहाँ से बन रही है, CO2 जो हमारी सेल्स अपनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ठीक है, उनके थ्रू रिलीज़ हो रही है और वो हमारी बॉडी से एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, यानी कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और एटमॉस्फेयर को क्या दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। सेकंड जो यहाँ पर हमें एक बात पता चली है वो क्या है, देखिए आप,
प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एक ही टर्म है, ठीक है. कहीं कहीं बुक में इनके बीच में डिफरेंस भी दिया होता है. तो हम क्या बोल देते हैं उस डिफरेंस में कि ब्रीदिंग क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है. दैट मीन्स हम बोल देते हैं कि जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो रेस्पिरेशन का पार्ट है. और सिंपल जो ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का हम एक्सहेल करते हैं, उसे हम ब्रीदिंग में रखते हैं. लेकिन जब हम बहुत डीप स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही टर्म है. स्मॉल लेवल पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको एक ब्रॉड लेवल पर पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही टर्म है. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो हम अभी इस वीडियो को देखते देखते भी कर सकते हैं. अपने चेस्ट पर, सीने पर हाथ रखोगे और जब आप इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे, तो आपको अप एंड डाउन मूवमेंट फील होगा अपनी चेस्ट का. ठीक है, जब आप इनहेल करोगे तो क्या होगा, अप होगा चेस्ट, और जब आप एक्सहेल करोगे तो चेस्ट कैसा होगा, डाउन होगा. ठीक, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग. ठीक है, किस वजह से हो रहा है, ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है. तो कॉमन सी बात है, जब एयर अंदर जाएगी तो जो चेस्ट कैविटी है वो फूल जाएगी. बलून में हम एयर भरते हैं तो बलून एक्सपेंड हो जाता है ना, फूल जाता है. सेम ऐसे ही हमारे चेस्ट कैविटी के साथ होता है. और जब हम एक्सहेल आउट करते हैं सेम एयर को, तो क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो फिर डाउन होता है. ठीक, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. अब इन सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. यहाँ हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मीन्स एयर का एक्सहेल होना और इनहेल होना. ठीक, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी कर जाता है, अलग अलग होता है. लोअर में अलग होगा, हायर ऑर्गेनिज्म में अलग होगा. प्लांट्स में आपको अलग टाइप से ब्रीदिंग रेस्पिरेशन मिलेगा, सॉरी ब्रीदिंग नहीं मिलेगा, रेस्पिरेशन मिलेगा प्लांट्स में, और ह्यूमन बींग में आपको अलग टाइप से मिलेगा. ठीक, और किस पर डिपेंड करता है, देयर हैबिटेट, जहाँ पर वो रहते हैं, उनका सराउंडिंग क्या है, टेरिस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है. ठीक, और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेलुलर लेवल का तो नहीं है, या टिश्यू लेवल का तो नहीं है, या ऑर्गन सिस्टम है कैसा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेलुलर लेवल में कौन आ जाएगा, यूनी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, देन टिश्यू लेवल आ जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम जिनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं. ठीक, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, लाइक वॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. जितने भी हमारे lower invertebrates होते हैं, invertebrates जिसमें अभी common language में आप समझ लो कि जिनमें vertebrate present नहीं होती. ठीक है, vertebra present नहीं होती, उनमें क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न होगा. किसके थ्रू, देयर इंटायर बॉडी सरफेस. अच्छा, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्यों उनका काम चल जाता है, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत कम है. उनको सर्वाइवल के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, और हमें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा काम नहीं चल सकता, हमारी एनर्जी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है. ठीक, अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन बॉडी. ठीक है, अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म आपने देखा है, अभी सबके घरों में भी देख सकते हो आप अपने घर में क्या होता है, जो गमले होते हैं, जहाँ पे आपने छोटा सा अपना गार्डन बनाया होगा, जो सॉइल है वहाँ पे आपको अर्थवॉर्म इजीली मिल जाएगा. बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो उनकी सरफेस जो आप उनको देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे, तो उनकी जो स्किन है वो बहुत मॉइस्ट होती है. ठीक है,
क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, तो बहुत चिकनी सी होती है वो, ठीक। तो उसके थ्रू क्या करता है, अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन करता है अपनी स्किन के थ्रू, राइट, स्किन पर जो क्यूटिकल्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू, राइट। और इंसेक्ट क्या करते हैं, उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं। उसके थ्रू क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, ठीक। अब स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मॉलस्क, वेयर वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स कौन यूज करेगा, गिल्स जितने भी हमारे एक्वेटिक हैं, हमने पढ़ा है क्लास टेंथ में भी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो गिल्स यूज करते हैं, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलराइज मतलब वेसल्स प्रॉपर अच्छे से बनी होती हैं, उसमें लंग्स, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, लंग्स, ठीक, वो यूज करते हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, वेयर रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब जो वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो बात है इन वर्टिब्रेट की, लेकिन वर्टिब्रेट फिशेस वर्टिब्रेट होती हैं हमारी, और क्या करती हैं वो, गिल्स यूज़ करती हैं। लेकिन अगर फिशेस के अलावा और रेप्टाइल वर्टिब्रेट की बात करें लाइक रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स, तो वो क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियन में आते हैं हमारे फ्रॉग, ठीक, वो किसके थ्रू करते हैं, मॉइस्ट स्किन, ठीक। और जो हमारे मैमल्स हैं उनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मैमल्स में कौन आ गया, ह्यूमन बीइंग आ गए, काऊ बफेलो ये सब किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, मॉन्की मैमल है, ठीक है। इन सब के पास क्या है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे, हमारे सिलेबस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। अब आगे हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक। तो हमारा जो अपर लिप्स है उसके ऊपर, जिसे हम कॉमनली नोज कहते हैं, वहाँ पे दो पोर होते हैं, ठीक है, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, और वही नोज, ठीक है, इंटरनल हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कहाँ पर लीड करती है, नेजल चैम्बर में, ठीक है। उस नेजल चैम्बर को, जो नॉस्ट्रल नेजल चैम्बर तक जा रहे हैं, तो जो पैसेज है उसे हमने नाम दिया नेजल पैसेज। नेजल मतलब नोज से रिलेटेड टर्म है, तो उसको हम नेजल यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। नोज नहीं बोला यहाँ पर भी, हमने क्या बोला है, नॉस्ट्रल। द नेजल चैम्बर ओपन्स इन टू नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स नेजल चैम्बर कहाँ पर ओपन हो रहा है, नेजोफेरेंक्स में। और अभी हमने डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा फेरेंक्स होता है वो थ्री पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था, और नेजोफेरेंक्स एक था उसका डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न था फेरेंक्स का, और उसको हमने क्या बोला था, नेजोफेरेंक्स। यहाँ आगे भी दिया है देखो, विच इज़ अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का ही एक पोर्शन है, और फेरिंग्स क्या है, हमारी कॉमन ओपनिंग है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, ठीक। नेजोफेरिंग्स ओपन्स थ्रू ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। अब ये जो नेजोफेरिंग्स है कहाँ ओपन हो रहा है, ग्लोटिस में, ठीक है। और ग्लोटिस किसका रीजन है, किसका पार्ट है, किसके थ्रू अटैच्ड है, लेरिंग्स, और किस में जा रहा है, ट्रैकिया, ठीक। अब ट्रैकिया को आप अच्छे से फील कर सकते हो, अपने थ्रॉट पे आप हाथ रखोगे तो आपको इजीली एयर का आना जाना, जो वाइब्रेशन है बोलते टाइम, जो वाइब्रेशन होती है आप उसे अच्छे से फील कर पाओगे, ठीक है। लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। जो हमारा लेरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेज बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है, मीन्स बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, वो हार्ड नहीं है, कोई बोन वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक। और क्या, किस चीज़ में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला है, साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग सोलोइंग
Gluteus can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglutis to prevent the entry of food into the larynx. तो यहाँ पर सेम पिछले चैप्टर वाली बात रिपीट हो रही है. एपिग्लोटिस क्या करेगा? फूड की एंट्री को प्रिवेंट करेगा. ठीक है, फूड हमारा ग्लोटिस में एंटर ना करे, साउंड बॉक्स में ना जाए, तो उसके लिए क्या होता है, फ्लैप लाइक एक स्ट्रक्चर है, वो भी कार्टिलेज का बना है. ठीक है, और फूड जब, अगर मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर फूड एयर पाइप में एंटर कर जाता है तो क्या होता है, हमें एकदम से खांसी आने लगती है, जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है. ठीक है, वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को साउंड बॉक्स से, एयर पैसेज से बाहर निकालने का कोशिश करता है. ठीक है, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच इज डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. अब ये जो ट्रेकिया है, अभी हम इसको वापस किस में देखेंगे, डायग्राम के थ्रू भी, हम यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे. तो जो ट्रेकिया है, ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ तक जा रहा है, मिड थोरेसिक कैविटी तक जा रहा है. ठीक है, और जो हमारी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, मीन्स जिन्हें हम रिब बोलते हैं ना, ठीक है, 12 पेयर रहते हैं, तो जो फिफ्थ वाला है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से जो फिफ्थ नंबर का होगा, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड चले जाता है, एक राइट साइड चला जाता है, और उस डिवीजन को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप विद अ थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. अब यही ब्रोंकाई आगे जाके ब्रांचेस बनती रहेंगी, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे, जो सबसे लास्ट हमारा डिवीजन होगा. ठीक, द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स. ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, कार्टिलेज रिंग होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं. इनकम्प्लीट क्यों होते हैं, पूरे क्यों नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं सो दैट एयर का जो एक्सेल और इनहेल है वो इजी हो जाए. अगर वो कार्टिलेज रिंग पूरा कवर कर लेगा तो क्या होगा, एयर पैसेज, एयर इजीली मूव नहीं कर पाएगी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव राइज अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई. ठीक है, अब यही ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड कर रहा है. ठीक है, और डिवाइड करके क्या हो रहा है, छोटी छोटी इरेगुलर वॉल में, सॉरी, इरेगुलर ब्रांचेस बना रहा है. ठीक है, वेस्कुलराइज बैग, वेसल्स प्रेजेंट है, वेस्कुलराइज मतलब वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कॉम्प्राइज द लंग्स. अब ये तीनों चीज़ें मिलकर, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं. ठीक है, देन अब आगे हम देखेंगे, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्यूरा विथ प्यूरल फ्लूइड बिटवीन दैम. हमारे पास कितने लंग्स हैं, दो, सिंगल पेयर ऑफ लंग्स है. ठीक, लंग्स के बाहर क्या होती है, एक लेयर होती है, राइट, डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और उस लेयर में फ्लूइड भरा होता है. ठीक है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्यूरल फ्लूइड. ठीक है, प्यूरल फ्लूइड, और ये क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा. देखो, हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, और भी बॉडी पार्ट्स आएंगे जहाँ पर आपको फ्लूइड की प्रेजेंस मिलेगी सराउंडिंग द ऑर्गन. ठीक है, तो उसका बेसिक जो फंक्शन है फ्लूइड का, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना है. ठीक है, लंग सरफेस, जैसे एयर एक्सेल करती है, इनहेल होता है, इनहेल एक्सेल दोनों चीज़ें रहती हैं. ठीक है, और जो लंग्स की मैम्ब्रेन है, लंग्स के अंदर जो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, इन सब के
बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, उसे रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम डायग्राम के थ्रू एक बार देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एपिग्लोटिस, ठीक है, फ्लैप है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। देन क्या आया यहाँ पर, लैरिंग्स, जिसे हमने क्या नाम दिया था, साउंड बॉक्स। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ट्रेकिया, और ये जो आपको यहाँ रिंग्स दिख रहे हैं ये सी शेप रिंग है। ठीक, ये पूरा सर्किल नहीं है, सिर्फ सी शेप रिंग है। राइट, सी शेप क्यों है, ये जस्ट होल्ड कर रहा है ट्रेकिया को। ठीक है, ये रिंग्स क्या करेंगे, एयर के पैसेज की वजह, एयर के एक्सेल और इनहेल होने की वजह से ट्रेकिया की वॉल कॉलेप्स ना हो, इसीलिए रिंग इसको यहाँ प्रिवेंट करके रखा है। और सी शेप क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे ही क्या प्रेजेंट है, फूड पाइप, ईसोफेगस हमारी। अगर ये सी शेप नहीं होंगे, पूरा होल स्ट्रक्चर होगा, तो वो फूड पाइप को भी कवर कर देंगे, और वहाँ पर कार्टिलेज रिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए कैसे होते हैं सी शेप। अब हम यहाँ के देखेंगे फिफ्थ वर्टिब्रा पर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्या हो गया, यहाँ पर ब्रोंकाई का डिवीजन है। ठीक है, ब्रोंकस भी हमने इसको बोला है। राइट, अब यही क्या होगा, यहाँ पे फर्दर फिर से डिवाइड हो गए ब्रांचेस, देख रहे हो आप, इन्हें हमने प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई बोला। ठीक, देन ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन क्या होगा, ब्रोंकियोल्स, और सबसे लास्ट में आप यहाँ पे एक एंडिंग देख रहे हैं। ठीक, ये एंडिंग इस तरह की होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर बलून लाइक एंडिंग, ठीक, इसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक, एल्वोलाई, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्लूरल मैम्ब्रेन। प्लूरल मैम्ब्रेन में क्या फिल है, ये फ्लूइड फिल है। ठीक है, जिसे हमने प्लूरल फ्लूइड बोला। राइट, और ये ब्रांचेज हमारे ब्रोंकियोल्स, ये सब हमने पढ़ लिया। अब ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर बना लंग्स। ठीक है, लंग्स के बिटवीन क्या लोकेट है, हार्ट। हार्ट की क्या पोजीशन है, हम आगे चैप्टर में हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हार्ट कहाँ लोकेट होता है, इन बिटवीन द लंग्स, एक लंग राइट एक लेफ्ट, और दोनों के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है। पर ये टिल्ट होता है ज़्यादा पार्ट इसका लेफ्ट की साइड, इसलिए हम बोल देते हैं एक जनरल लैंग्वेज में कि लेफ्ट साइड हार्ट लोकेट है। लेकिन हार्ट क्या होता है, बिल्कुल दोनों लंग्स के बीच में लोकेट होता है। ये बो शेप स्ट्रक्चर क्या है, ये डायफ्राम है, अप एंड डाउन होता है डायफ्राम। हमें पता है कि एयर के इनहेल और एक्सहेल आने जाने से क्या होता है, डायफ्राम का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। ठीक, इसके बारे में हम अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ेंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं क्या लिखा है, द आउटर प्लूरल मैम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग वेयर एज इनर प्लूरल मैम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। क्लियर, हमने अभी बात करी कि जो हमारा लंग्स होता है उसके पास एक मैम्ब्रेन है, डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो आउटर वाला लेयर है वो थोरेसिक कैविटी, जो हमारा रिब केज है उससे अटैच रहता है, और इनर वाला जो पोर्शन है वो हमारा लंग्स वाले पार्ट से अटैच रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब वो पार्ट जो एयर को लेकर जा रहा है, पैसेज प्रोवाइड करा रहा है, एयर को बॉडी से बाहर ला रहा है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में देखिए क्या आता है, द स्टार्टिंग पार्ट विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कॉन्स्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट। नोज से स्टार्ट होके जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है कहाँ तक, ब्रोंकियोल तक। ठीक है, ब्रोंकियोल्स तक क्या होगा, हमारा कंडक्टिंग पार्ट होगा। एयर वहाँ से जाएगी और वहाँ पर उसी पैसेज के थ्रू बॉडी में एंटर करेगी। वेयर एज, जबकि जो हमारा एल्वोलाई है और एल्वोलाई के जो डक्ट हैं ये सब मिलकर बनाती है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसीलिए हम बोलते हैं एल्वोलाई इज द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि जो एल्वोलाई है और एल्वोलाई की डक्ट हैं, ठीक है, वही क्या करेंगे, गैस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। ठीक, द कंडक्टिंग पार्ट transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particle, humidifies
एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. कंडक्टिंग पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और क्या रोल है, क्या काम कर रहा है ये, सबसे पहले तो एयर को लेकर जाएगा. फिर हमें पता है हमारे नॉस्ट्रल में छोटे छोटे स्मॉल हेयर होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है फॉरेन पार्टिकल को, ठीक है, ट्रैप कर लेती है. कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे को हार्मफुल हो सकती हैं हमारे लिए, वो सब क्या करेगा, जो हेयर हैं जो नोज़ में म्यूकस है वो उन सबको क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी. ह्यूमिडिफाइज मतलब उसका जो, अगर ड्राई एयर है तो उसको बॉडी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगी, ठीक है. एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. जब हम ठंड में ब्रीथ करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर के कंपेरिजन में, ठीक है. तो क्या करता है, अगर बाहर से हॉट एयर बॉडी में जा रही है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो मेंटेन करेगा, और अगर कोल्ड एयर अंदर जा रही है तो भी क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट करेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो एयर का जो टेम्परेचर है वेरी करता है हमारी बॉडी से, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा. एक्सचेंज पार्ट क्या करेगा, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूज़ करेगा. डिफ्यूज़ मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करेगा, किसका, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है. और किसके थ्रू करेगा, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक. द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर. जो हमारा थोरेसिक चैम्बर होता है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में रिबकेज भी कहते हैं, तो जो लंग्स है हमारा कैसा है, एयर टाइट चैम्बर में लोकेट है, ठीक है. और एयर टाइट चैम्बर में क्यों लोकेट है, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है और जो इंटरनल एयर प्रेशर है उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट रहता है, ठीक. द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली बाय द स्टर्नम. अब डॉर्सली और वेंट्रली क्या है, डॉर्सली मतलब पीछे की साइड से, पीछे की साइड क्या आती है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जो बैकबोन होती है, ठीक है, वो हमारी पीछे की साइड से इसको कवर करती है. और वेंट्रली मतलब आगे की साइड, आगे की साइड क्या होती है, स्टर्नम. एक स्ट्रेट बोन इस तरह से होती है और इसमें से क्या निकली होती है, इस तरह से रिब केज, पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाए गए, ठीक है. स्टर्नम लिटरली बाय द रिब्स एंड ऑन लोअर साइड बाय द डॉम शेप डायफ्राम. डायफ्राम हमें पता है रिब्स कैसे नीचे, डॉम शेप स्ट्रक्चर है, डॉम मतलब गुंबद, ठीक है, एक डॉम की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं. द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थॉरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी. तो ये जो हमारा सेटअप है पूरा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो एयर वॉल्यूम है उसको मेंटेन करता है. और एयर वॉल्यूम में जब चेंज होगा तो हमारे थॉरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर जो प्रेशर है उसमें भी चेंज होगा, ठीक. ये हम सब चीज़ें पढ़ेंगे हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के चैप्टर में, सॉरी टॉपिक में. सच इन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वेल एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है. तो जो ये अरेंजमेंट है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, तो ये सब क्या करेगा, हम लोग इसे डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते, पूरा एक सेटअप है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है. अब हम यहाँ देखेंगे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन. ब्रीदिंग और पल्मोनरी सेम टर्म है, वेंटिलेशन मतलब एयर का आना और जाना, एयर का पैसेज. यहाँ सिर्फ एक्सहेल या इनहेल की बात नहीं है, यहाँ दोनों की बातें हुई हैं, एक्सहेल भी होगा और एज वेल एज इनहेल भी होगा. बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी एंड CO2 जो एलवेलए में CO2 भर गई है, कहाँ से भर गई है, जो हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके थ्रू जो
CO2 रिलीज हुई, वो फाइनली कहाँ पहुँचती है, एल्वेले में पहुँचती है। एल्वेले से वापस वो कंडक्टिंग चैम्बर के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगी और जो CO2 है वो उसी एल्वेले के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वेलर में ज़्यादा हो जाती है तो वो डिफ्यूज़ करेगी इनसाइड द बॉडी, और जब हम एक्जेल करते हैं तो CO2 ज़्यादा हो जाती है तो CO2 क्या करेगी, वो बॉडी से फिर बाहर की साइड मूव करेगी। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। अब जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया है हीमोग्लोबिन की हेल्प से उसका थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। और क्या होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, सेल से CO2 कलेक्ट करेंगी और उनको O2 प्रोवाइड कराएंगी। देन लास्ट स्टेप क्या रहेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। यूटिलाइजेशन करेंगी कौन, सेल्स करेंगी कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब जो भी हमने न्यूट्रिएंट लिया, जो भी चीज़ें ली उसके ब्रेकडाउन के लिए यूज़ करेंगी, और जिसके रिजल्टेंट क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। तो ये सारे स्टेप हमारे किस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।